global advertisers, scaling new heights in outdoor media. सबसे पहले तो इम्तियाज भाई को, इम्तियाज सर को थैंक यू बोलूँगा, आई के मूवीज को थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। इन्होंने फिल्म बनाई है, पहले दो फिल्में, एक पंचायत बनाई थी और दूसरी फिल्म दीवाने बनाई थी। तो उसके बाद मेरे ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया बैंड बाजा बारात और घूंघट की आग के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस लायक चुना कि ये फिल्म मैं बना पाऊँ। और कोशिश करूंगा कि आपने जो मुझ पर विश्वास किया है, जो मुझ पर ट्रस्ट किया, उसके ऊपर खड़ा हो सकता है। और अभी रिसेंटली मैंने फिल्म बनाई है, हम लोग एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं, करीब 7-8 सालों से जानते, जब मुंबई आया तो पहले मुलाकात हुई थी और रेगुलरली हम लोग एक दूसरे को संयोग नहीं था। एक दिन अचानक बातचीत होने लगी और मैंने बोला कि सर एक फिल्म बनाई है हमने, आवारा बनो बैठे हम लोग देखे कि बोले चंदन एक मुझे भी फिल्म करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वापिस आता हूँ कि फिल्म करूँ और तुम करो। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर मेरे ऊपर कि आपने मुझे इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया फिल्म के लिए, थैंक यू। तो मेरा है, मैं उसका बहुत मैं बताता हूँ बारीकी से जानता हूँ। वो इन्होंने सहयोग रहेगा, इन्होंने बोला कि सर मैंने एक सब्जेक्ट लिखा है, डायरेक्शन मेरा रहेगा कि ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला बहुत अच्छा है सर, और वाकई में वो सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। फिर बोले कि मेरा ड्रीम है, तो मैंने बोला अगर आपका ड्रीम है तो एक काम करिए, हम लोग तो हैं ही आपके टीम में जुड़े हुए, आप हम लोग सहयोग करेंगे, आप फिल्म खुद बनाइए एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। पहले भी लोग बहुत सारे लोग आए हैं वो एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, और बुरा नहीं, एक प्रोड्यूसर अपने तहत जितना सोचता है। यस, और उन्होंने प्रॉपर उस चीज़ को, मुझे लगता है कि 3-4 सालों से इस फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे वो घूंघट की आड़ में। सब्जेक्ट बहुत तरीके से उन्होंने फिर हुआ है, और जो एकदम गाँव का सब्जेक्ट होता है प्रॉपर वो सब्जेक्ट है रखना है। जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मैं काम करूं, और मेरे मरने के बाद मेरे काम की चर्चाएं हो, तो उसके लिए पॉजिटिव रोल बहुत आवश्यक है। एक एक्टर के जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरी किस्मत है जो मुझे ऊपर वाले ने दिया है, तो मैं उसको हमेशा निभाना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि विलेन छोड़ दिया, क्योंकि हमारे जनता को जब बोलता हूँ पब्लिक को कि भाई मैं सोचता हूँ विलेन नहीं करूँ, तो एक सुर से आवाज़ आती है कि नहीं 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 विलेन कीजिए, तो विलेन भी करूँगा, लेकिन पॉजिटिव रोल्स, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स, वो उसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है। घूंघट का सेलिब्रेशन मना रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि क्रिश्चन का खास करके म्यूजिक पक्ष को हमारे जिम्मे में दिया गया है, जिसकी जिम्मेवारी हमारी है, तो बहुत अच्छा होगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा म्यूजिक सुन के। एक कल्लू भाई के साथ हमने गाना बनाया भी था बहुत पहले, तकरीबन 6-7 महीना पहले या साल भर पिक्चर में, तो हमारी ऑडियंस बहुत उसको सपोर्ट किए थे, सारे लोग पसंद किए थे। मैं चाहूँगा कि एक लाइन जरा कल्लू भाई हमारे गाने में गाना हो गया, सूरत में उस गाने पे डांस करने को, हाँ आपके आने से पहले तो ये टाइम तो कल का है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। अरे सूती से जरिया तो कब के कमरिया, सूती से जरिया तो कब के कमरिया, मारे करी हैया हीरो रहो, हीरो रहो, हीरो रहो। अब ऊपर यमुरी पन मुखले के माला न पुरानी आगी दरहद कोरे पोर हो, अंगुरी पम भूले के माला न कुबरानी आगी दरहद कोरे पोर। आप लोग बताना चाहें, दोनों की कहानी रेडी हो चुकी है, स्क्रीन पे रेडी हो चुका है, डायलॉग के लिए हमको याद किया है इम्तियाज जी ने। जी जी, और कहानी हमने सुनी है, कहानी बहुत अच्छी है, काफ़ी हटके है, पहले की फिल्में भी हम लोगों ने बहुत लिखी है, हम लोग तो राइटर चाहते हैं कि कुछ अलग आए और पब्लिक को पसंद आए, चेंजिंग मिले कुछ। तो अब डायलॉग देखते हैं हम क्या लेके आते हैं, कितना पब्लिक को खुश कर पाते हैं, कोशिश करेंगे कि न्याय हो दोनों फिल्मों के साथ। बाकी इन लोगों को शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। फिल्म का जो नाम है घूंघट की आड़ में और बैंड बाजा और बारात, तो फिल्म का टाइटल ही पहले तो बहुत हिट है, और इसके प्रोड्यूसर इम्तियाज जी हैं, और एक फिल्म के इसमें डायरेक्टर ये हैं, और एक में चंदन जी हैं। तो मुझे ये लगता है कि जी
ये किसी नाम के या मोहताज नहीं है, उनको सभी जानते हैं और इनकी जो भी फिल्में आती हैं बहुत अच्छी होती हैं और स्क्रिप्ट वाइज भी की जाए कहा जाए तो बहुत शानदार। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्में बनेंगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं इम्तियाज जी को, संदीप जी को, संदीप जी इम्तियाज जी के छोटे भाई हैं और हमारे राइटर राजेश पांडे जी को जी। तो ये फिल्म बहुत बेहतरीन बनेगी और बहुत ही तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और पब्लिक इसे देखे इंजॉय करे बस। बस यही है कि ये दोनों पिक्चर बने अच्छे से बने और सर हमारे इतने जो बनाए हैं वो भी बहुत अच्छी थी और जो बनेगी वो भी अच्छी रहेगी। yes. हमारा इनके साथ अभी से लेके लास्ट तक जितना भी हमारा सहयोग है हम इनके साथ हैं और हम ऐसी मूवी बनाएंगे कि जो कि वो